कोरोना वायरस में फंसे पलायन करने वाले मजदूरों का सिलसिला अभी थमा ही नहीं के रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने वाले प्रकाश की पत्नी सुमित देवी ने रास्ते में ही एक बच्चे को जन्म दिया। रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने वाला एक परिवार बस में बैठा हुआ था, जिसमें महिला गर्भवती थी और उसको कभी भी बच्चा हो सकता था। जैसे ही वह महिला बस में बैठकर कोसी कला की तरफ निकल रही थी तो अचानक पेट में बहुत तेज दर्द हुआ। उसके चिल्लाने पर बस ड्राइवर ने बस को कोसी कला बाईपास पर रोक दिया। जैसे महिला को उतारा तो महिला ने वहीं एक बच्चे को जन्म दिया। इसकी सूचना पर आसपास के लोगों ने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और उसे कोसी के सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे देखा और दोनों माँ बच्चों को सही बताया। जब हमारे रिपोर्टर ने महिला के पति से बात की तो उसने बताया कि वे रेवाड़ी से चलकर पन्ना जिले को जाने के लिए बस में बैठे और यहाँ पर आकर इनके पेट में बहुत तेज दर्द हुआ, जिससे वे कोसी कला उतर गए और उतरते ही बच्चा हो गया। पेश है मथुरा से मुरली मनोहर सिंह की खास रिपोर्ट। रास्ते में कहीं पे बच्चा हो गया था, यहाँ मैंने देखा जच्चा बच्चा दोनों सही है और अभी ये घर जाना चाह रहे हैं। बच्चे के इंजेक्शन वगैरह करते हैं, माँ को भी चाय बिस्किट वगैरह दे दिए, खाना वाना। वैसे बच्चे कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं? कोई नहीं है, थोड़ा सा इसे क्लैंप कर दिया मैंने, वो सही नहीं था। अच्छा, बस और कुछ नहीं, पक्की ठीक है, ओके, सब चीज सब सही है। फिर कहाँ से आए थे आप? रेवाड़ी से आए। कहाँ जाना है? पन्ना जिला। तो क्या हुआ रास्ते में? ये लड़का हुआ क्या है, मतलब क्या बात हुई थी रास्ते में? रास्ता में डिलीवरी हो गया रास्ता में। कैसे? बस में बैठी तो पेट दर्द करने लग गया, तो उतरते ही में हो गया दीदी। कोसी में उतरते में हो गया, रोड पे ही हो गया? हाँ, उतर। तो हॉस्पिटल कैसे आए आप? पर वहाँ गाड़ी नंबर लगाया है 108 नंबर, एम्बुलेंस की गाड़ी आई है। अच्छा, ले आई है। तो अब बच्चा ठीक है आपका? हाँ, बच्चा ठीक है। तो अब कहाँ जाओगे सीधे? अब जाना है पन्ना जिला। दोनों ठीक है, बच्चे और माँ उसकी? हाँ, बच्चे तो ठीक है। क्या हुआ है? लड़का हुआ।